Hello everyone, this is Sujit Naik and we are still continuing One and Many, which is belongs to English grammar chapter, and of course today we will learn about singular noun and plural noun. So before we start, I just wanted to ask some questions like how are you, how your parents are doing, and are you following the safety rules or not? Okay, I hope everybody are doing well and you are also following the safety rules. If you are doing so, then you are doing a great job. I appreciate that. Okay, moving forward, this is English class and we are learning the grammar. As you know, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर क्या होता है? जिसको हम सिंगल, किसी का भी नाम अगर सिंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन, ठीक है. और प्लूरल नाउन क्या होता है? अगर वो नाम बहुत सारे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है. कैसे? चलो, बहुत तरीके से हम लोग सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बना सकते हैं. तो उससे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा काम सीखेंगे, ठीक है. तो कुछ तरीके हैं जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट मेकिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल. ओके, पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि प्लस एस ऐड करने से, मतलब एस को हम अगर हम किसी नाउन पे ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन हर किसी में नहीं होता. फिर भी हम देखते हैं, कुछ वर्ड्स में आपके सामने रखता हूँ, कुछ नाउन्स में आपके सामने रखता हूँ. जैसे कार प्लस एस इक्वल टू कार्स, है ना. कार को अगर हम उसमें हम एस ऐड कर देते हैं, नाउन है, कार एक नाउन है. नाउन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम होता है. तो कार एक चीज़ का नाम है, ठीक है. तो कार से, कार के पास अगर हम एस ऐड करते हैं तो क्या होता है? कार्स हो जाते हैं. कार मतलब एक कार, यानी कि सिंगुलर, और कार्स मतलब बहुत सारे कार्स, ठीक है. तो वो हो गए प्लूरल. तो कार जो नाउन है वो सिंगुलर है, और कार्स जो नाउन है वो प्लूरल है, ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. वेल, वी हैव सम एग्जाम्पल्स, यू कैन सी ओवर हियर. टेबल, टेबल्स. डॉग, डॉग्स. केक, केक्स. फ्लावर, फ्लावर्स. डे, डेज. गर्ल, गर्ल्स. यू कैन सी ओवर हियर, इन द टेबल इफ यू विल एड एस, then it will become tables. Table is the singular and tables, the name is plural. Okay, dog, if we will add s over here, then what will happen? Dogs. And dog is the singular word or singular noun, and dogs is the plural noun. One more we can see over here, I have written over here flowers. Flower is the singular word. Flower is the singular word, because flower means what? We can understand a single flower. But if we will add s over here, then what will happen? It will become flowers. That means what? Flower, that is singular, and flowers means more than one flower, that is plural. Okay, day, if we will add s over here, then what will happen? We can write days. Day means what? Single day. Or days means what? More than one day. Okay, girl, G-I-R-L, girl. Girl means what? A girl. And girls means what? More than one girl. So girl is the singular, girls is the plural. Day is the singular, days is the plural. Flower is the singular, flowers is the plural. So like this, some words we can add s over there, some nouns we can add s over there, then it will become plural. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं और जो नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम एक एस ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउन एंड्स विथ एस एस, एक्स, सी एच एस, एस एच और ओ. When a singular noun ends with an X, SS, CH, S, SH and O, we form plural by adding ES. अगर कोई noun है,
जिसमें क्या होता है, वो नाउन ख़त्म कहाँ से होता है, एक्स से ख़त्म होता है, एस एस से ख़त्म होता है, सी एच से ख़त्म होता है, एस से ख़त्म होता है, और एस एच से ख़त्म होता है, या फिर ओ से ख़त्म होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली नॉट एस वी विल एड ई एस। अगर हम उसमें ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, राइट। देखते हैं, वेल यू कैन सी फॉक्स एक्स से खत्म हुआ है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ई एस लगा सकते हैं, फॉक्सेस हो गया। ग्लास एस एस से खत्म हुआ है, व्हेन वी विल ऐड ई एस ओवर हियर इट विल बिकम ग्लासेस। तो फॉक्स इज अ सिंगुलर वर्ड एंड फॉक्सेस दैट इज कॉल्ड प्लूरल। ग्लास सिंगुलर वर्ड और सिंगुलर नाउन, ग्लास मतलब एक ही ग्लास होता है, और उस चीज़ का नाम क्या है, ग्लास है, तो ग्लास एक नाउन हो गया। ओके, सो इसमें हम ऐड करेंगे ई एस, देन व्हाट विल हैपन, ग्लास इक्वल टू ग्लासेस। ओके, बेंच यू कैन सी बेंच ओवर हियर बी ई एन सी एच, इट इज एंडिंग विथ सी एच। मैंने आपको बोला था ना सी एच से जो खत्म होता है उसमें हम क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ओके, बेंच दैट इज सिंगुलर एंड बेंचेस दैट इज प्लूरल, बिकॉज बेंच हैज फिनिश्ड विथ सी एच, दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट ई एस एट लास्ट टू मेक इट प्लूरल। ओके, लेट अस सी अबाउट बस। बस दैट इज सिंगल वर्ड, राइट, सिंगुलर। हाउ यू कम टू नो दैट इज सिंगुलर, बिकॉज बस इज इंडिकेटिंग अ सिंगल बस, राइट। बस जो है वो एक सिंगल बस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। बट इफ यू विल एड ई एस, बिकॉज इट हैज फिनिश्ड विथ एस, इट हैज फिनिश्ड विथ एस, इसलिए यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे। मैंने आपको बोला था ना एक्स एस एस सी एच एस और एस एच से, या फिर ओ से अगर कोई वर्ड ख़त्म होता है तो उसको प्लूरल करते वक्त हमको सिर्फ ई एस ऐड करना होता है और वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। ओके, बस बसेस, बुश ये भी एस एच से ख़त्म हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ई एस, सॉरी ये प्रिंटिक मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए अब। बस सॉरी बुश बुशेस बी यू एस एच ई एस होगा, ठीक है, बी यू एस एच ई एस, आप सिंपली ई एस इसमें ऐड करोगे तो बुशेस हो जाएंगे, ठीक है। बुश का मतलब क्या होता है, झाड़ी, ठीक है। ओके, पोटैटो, पोटैटो में देखो उसमें ओ से ख़त्म होता है, पोटैटो में क्या होता है, ओ से ख़त्म होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ई एस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वी विल कन्वर्ट अ वर्ड और अ नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन, अंडरस्टूड। सो आपको ये रिसाइट करके याद करना होगा कि किससे ख़त्म होता है, यानी कि किस लेटर से ख़त्म होता है तो हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट, इफ अ सिंगुलर नाउन इज विथ वाई एंड द लेटर बिफोर इट इज कंसोनेंट, वी चेंज द वाई टू आई एस टू फॉर्म द प्लूरल। तो इसका मतलब ये है, कोई एक सिंगुलर नाउन आपको मिलेगा जिस जो कि वाई से ख़त्म होता हो, ठीक है, कोई एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि वाई से ख़त्म होता हो, लेकिन आप अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट देखते हो, आप पता है ना वोवेल्स किसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू को कहते हैं वोवेल्स, एंड बाकी सारों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वाई कोई आपका वर्ड हो या आपका नाउन हो जो ख़त्म होता है वाई से, एनी नाउन विच एंड्स विथ वाई बट इट हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, लाइक दिस। देखो सिटी, सिटी में क्या होता है, वाई से सिटी ख़त्म होता है, बट बिफोर वाई वी कैन सी अ कॉन्सोनेंट, टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, टी ए ई आई ओ यू में नहीं आता, तो टी हो गया आपका कॉन्सोनेंट,
Understood? So what will we do? City, city में से y को हटा देंगे प्लस ies को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, cities हो जाएगा. क्या हो जाएगा? Cities, cities, cities. Understood? Okay. अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो. अगर समझ में आया तो आगे बढ़ सकते हो, आपका वर्क कर सकते हो. मैं आपको वर्क आइदर आई विल सेंड इट इन गूगल क्लासरूम और आई विल सेंड इट और पोस्ट इट इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो दैट यू कैन राइट द असाइनमेंट. ओके, वेल मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ. अगर कोई नाउन जो कि वाई से ख़त्म होता हो और उससे पहले वाई से पहले कोई कंसोनेंट अगर हो, दोनों इसका केस देखो. कोई नाउन जो वाई से ख़त्म होता हो और उससे पहले कोई कंसोनेंट हो तो आपको आई हटा के आई ई एस लिखना है. अंडरस्टूड? लाइक सिटी में से वाई हटाना है और वाई में से क्या लिखना है, वाई की जगह आई ई एस लिखना है, तो वो बन जाएगा सिटीज. अंडरस्टूड? लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सिटी, सिटीज, पोनी वाई से खत्म हुआ है लेकिन वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट पोनीज. कंट्री, कंट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज, बेबी, बेबीज, लिली, लिलीज, लॉरी, लॉरीज, फेरी, फेरीज, पार्टी, पार्टीज. अंडरस्टूड? समझ में आया मैंने जो कहा आपको? तो अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, यू जस्ट गो बैक एंड जस्ट ट्राई टू वॉच इट प्रॉपरली. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. सो दिस मच फॉर टुडे. टुमारो विल लर्न समथिंग मोर, समथिंग इंटरेस्टिंग. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ.